हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे चैनल में आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। महादेव से कामना करती हूँ आप लोग ठीक हों। हमारे वीडियो में आज हम शेयर करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया शिव महापुराण उपाय, जो सावन महीने में आपको करना है। महत्वपूर्ण उपाय है, आइए जानते हैं गुरु जी द्वारा। दुनिया के लोग कहते हैं क्या होता है मूंग चढ़ाने से, क्या होता है चावल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से, दिल से करो तो। आप शंकर भगवान को अगर 108 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, शिव को आप एक ही बेलपत्र पर चंदन की बेलपत्री की जो डंडी आप पीछे से तोड़ देते हो, उसी डूट को चंदन में भिंगो कर 108 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस चंदन की एक एक 108 बिंदी भी आप अगर बेलपत्री पर लगाकर अपनी कामना कर बाबा से दिल की बात कहकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआ कर कटी वाले भाग को छुआ कर शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, दुख कितना भी बड़ा हो मेरा शंकर काट ही देता है, काट ही देता है। शिव जी को 108 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, 108 चावल दाना चढ़ा रहे हैं, 108 हरा मूंग चढ़ा रहे हैं, 108 फूल की पंखुड़ी चढ़ा रहे हैं। एक ही बेलपत्र में अगर जो डंडी का भाग पीछे से तोड़ देते हैं, उसी टूटी हुई डंडी के भाग को चंदन में भिगोकर 108 बार ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या नमः शिवाय बोलकर मंत्र का उच्चारण करते हुए हम एक ही बेलपत्र में 108 चंदन की बिंदी बेल लगाते हैं और लगाने के बाद में बेलपत्र को समर्पित करें और मंत्र का जाप करते चलें। बिंदी लगाते समय हमें मंत्र का उच्चारण करना है, फिर उसके बाद शिव का स्मरण करते हुए अपनी कामना करके बाबा को दिल से अपनी दिल की बात कहकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआकर कटी भाव वाले भाग को छुआकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। दुख कितना बड़ा हो बाबा काट ही देता है। आपकी सारी समस्या का हल बाबा भोले बाबा के पास है, इसीलिए अपनी सारी समस्या का हल भोले बाबा से जरूर कहिए। श्री शिवाय नमस्ते। आप लोगों को हमारी जानकारी, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।